मस्जिद की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, एक दूसरे से जाति की लड़ाई शुरू कराने का काम भाजपा के लोग कर देते थे। आप चिंता ना करें अशोक भगत जी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी होगा, लॉ कॉलेज भी होगा और इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बात होगी। नया महगामा कहाँ है पूछते हैं सब, सोशल मीडिया पे चल रहा था, कुछ पत्रकार भी पूछते हैं कि ये नया महगामा क्या है भाई। मैं उनसे कहना चाहती हूँ या नजर दौड़ाइए, ये है नया महगामा, जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, महिला हो पुरुष हो, वो मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ इस नए महगामा में राजनीति की कोई जगह नहीं है। आप कह रहे हैं कि कहाँ से आएंगे डॉक्टर, डॉक्टर और काम करने वाले लोग, अरे यहीं के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, यहीं के बच्चे पैरा मेडिकल की पढ़ाई करेंगे और इस 300 बेड को जो संचालन है वो हमारे महगामा के बच्चे करेंगे, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी शिक्षा पूरी होगी। मैं यहाँ बहू बन करके आई और कब आप लोगों ने अपने प्रेम और स्नेह से मुझे यहाँ की बहन और बेटी बना दिया ये पता ही नहीं चला। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महगामा के लोगों ने, मेरे परिवार ने मुझे जो जगह दी है उसको शब्दों में भी नहीं बयान कर सकते हैं और पूरा जीवन आप लोगों की सेवा करेंगे तो भी वह पूर्ण नहीं होगा। विधायक आप लोगों ने बनाया तब मैंने यही प्रयास किया कि आपको अगर रात के 1 बजे भी फोन करके हमारी जरूरत पड़े तो हमने उसको, उस कॉल को उठाया। आपके परिवार में कोई बीमार रहा हो या अन्य किसी परेशानी में आप पड़े हों तो आपको मेरा फोन हमेशा उठता हुआ मिला और लगातार आपकी समस्याओं का हम लोगों ने निदान करने का प्रयास किया। मैंने अकेले नहीं किया ये, महागठबंधन के हमारे छोटे भाई बहन जो युवा कार्यकर्ता के रूप में है, उन्होंने कोविड के समय विधायक बने हम लोग, उसके बाद ये वैश्विक महामारी जो आई उसने 2 साल हम लोगों का समय लिया, लेकिन उस वक्त जो हम लोगों के परिवार में एकता हुई वो इस वजह से हुई कि हमारे पूरे महागठबंधन के और खास करके यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हमारा कोई भी श्रमिक भाई बहन देश के किसी भी कोने में होगा उसको हम लोग सुरक्षित लेकर के आएंगे। और हम लोगों ने वो किया, वो देश के किसी कोने में हो, चाहे वो आसाम में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, अगर उसको, हमारे परिवार के उस सदस्य को राशन की जरूरत पड़ी, अन्य दवाइयों की जरूरत पड़ी और जब जरूरत पड़ी कि उसे घर से लेकर के बाहर से लेकर के घर लाना पड़े तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चप्पल पहन के श्रम करने वाले को हवाई जहाज में भी बिठा करके लाने का काम किया। 5 साल में जो काम हुआ वो आप सब लोगों के समक्ष रखना मैं अपना दायित्व समझती हूँ कि आज जब दोबारा आप लोगों के अदालत में हम पहुंचे तो 5 साल में क्या हम लोगों ने और हमारे महागठबंधन की सरकार ने काम किया है वो आपके सामने होना चाहिए। बहुत संख्या में यहाँ पे हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। महगामा में पंजा के निशान पर चुनाव हो रहा है, मैं RJD और जो JMM पार्टी के जो भी कार्यकर्ता गण है, पदाधिकारी गण है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब आप पंजा लेकर के जा रहे होंगे तो सिर्फ 5 काम भी अगर आप गिनाएंगे, वो चाहे सर्जन पेंशन हो, याद है ना कैसे बूढ़े बुजुर्गों को लाइन लगना पड़ता था और सालों इंतजार होता था। हम लोग जाते थे गांव में तो बोलते थे बूढ़े बुजुर्ग कि कब मिलते पेंशन, और जब हम लोग बढ़ते थे आगे तो पीछे से यह भी सुनने को मिलता था कि मर जाएंगे तब मिलेगा पेंशन। था ये, यही हाल था भाजपा के डबल इंजन की सरकार में कि बूढ़े बुजुर्ग की आंखें पथरा गई लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिला। झारखंड का नाम आज पूरे देश में है क्योंकि हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सर्वजन पेंशन जैसा कानून बना दिया कि हर बूढ़ा बुजुर्ग चाहे वो किसी जाति धर्म का हो उसे पेंशन 1,000 रुपए हर महीने मिलना है। राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि हर बुजुर्ग को, आज भाजपा प्रपंच फैलाना चाहती है
दिल्ली से पैसा रोकती है और उसके बाद ये फैलाती है कि झारखंड की सरकार महिलाओं को पैसे दे रही है और बुजुर्गों का बल करेगी। लेकिन मैं अपने बूढ़े बुजुर्गों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपको जो लाठी जो सहारा महागठबंधन की सरकार ने दिया है वो आपसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा। दूसरी योजना पंजा के एक दूसरी उंगली की अगर आप बात करें और आप जनता के बीच जब जाएंगे और हम जब जनता के बीच खड़े हैं तो भी हम लोग अपने अबू आवास योजना की बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास इस राज्य में बंद कर दिया गया। 8 लाख मकान जो गरीबों के बनने थे उसको बंद करके प्रधानमंत्री मोदी जी खुश हो रहे थे कि झारखंड के सरकार की बदनामी होगी कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है। लेकिन हेमंत है तो हिम्मत है। अबू आवास आज ऐसी हालत है कि कोई प्रधानमंत्री आवास लेना नहीं चाहता। मोदी जी 2 बार आए पिछले 2 महीने के अंदर, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दोबारा शुरू करने की घोषणा की, लेकिन कोई अबू आवास लेगा कि प्रधानमंत्री आवास लेगा? 1,20,000 प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं और हेमंत सोरेन जी कितना देते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी 2 कमरे का मकान देते हैं। महागठबंधन की सरकार कितने कमरे का मकान देती है? उस घर में 3 कमरे के मकान में रसोई और शौचालय भी है। प्रधानमंत्री आवास लेने के बाद फिर शौचालय लेने के लिए दौड़ना पड़ता था। तो महिलाएं अबू आवास लेंगी कि प्रधानमंत्री आवास? दो योजना तो मैंने बता दिया कि जब हम 5 पंजा का निशान लेके जाएंगे, लेकिन तीसरा योजना आपको इस सरकार का कौन सा सबसे अच्छा लगता है? मैं पूछना चाहूंगी अपने भाई और बहनों से कि तीसरे सबसे सफल योजना इस सरकार की कौन सी है, बताइए। देखिए भैया लोग भी मैया योजना की बात कर रहे हैं, है ना? ये इस बात को साबित करता है कि हमारी महिलाओं के खाते में जब 1,000 रुपए करके 3 किश्त आ चुका या 3,000 रुपया महिलाएं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वो अपने बच्चों की फीस दे रही हैं, वो अपने बुजुर्गों के लिए दवा खरीद रही हैं, कुछ बच्चियां जो 18 साल से 25 साल की हैं, वो एक परीक्षा का फॉर्म भरने का काम कर रही हैं, वो अपने लिए कोचिंग का फीस दे रही हैं, और अब तो 1,000 रुपया नहीं, दिसंबर से कितना मिलेगा? 2500 की घोषणा कैबिनेट में पास करके तब हम लोगों की सरकार ने आप लोगों तक मैया सम्मान योजना को पहुंचाया है। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम लोग काम करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। मैया सम्मान योजना 2 महीने में शुरू हुआ और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर सरकार का ऐसा नकेल था कि उन्हें महीने भर में 50 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ना पड़ा। थोड़ा खांसी है लेकिन बात मैं अपनी पूरी करूंगी। चौथा योजना कौन सा है सबसे हिट योजना कौन सा है? क्या हुआ बिजली बिल में? लाखों करोड़ों बकाया जो भैया लोगों के सर पर था घर का बिजली बिल, उसको रातों रात मुख्यमंत्री जी ने सारा बकाया भी माफ कर दिया और आगे इसके सभी महीनों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। गरीबों को इस तरीके से राहत देने की सोच इस पूरे देश में और खास करके जहां भाजपा शासित राज्य है वहां कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी के सोच में ही नहीं था कि बिना लाइन लगे लोगों का बिजली बिल 0-0 हो जाएगा। और रातों रात इस योजना की वजह से महागठबंधन की सरकार हीरो बनने का काम उन्होंने किया है। थोड़ा सा श्रेय मुझे भी मिलना था। आप लोगों ने विधायक बनाया और जिस दिन से विधायक बनाया मैं जहां जाती थी खास करके अपने महगामा में सब बोलते थे कि भाई मंत्री, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने हमारे पार्टी के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने सम्मान दिया और 3 महीने का कृषि मंत्रालय का जिम्मेदारी भी मिला। तो भाई जब हमने बिजली बिल 0-0 देखा तो हमने भी सोचा कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी किसान न्याय की बात करते हैं,
कृषि ऋण माफी की बात करते हैं, फसल बीमा की बात करते हैं, समर्थन मूल्य की बात करते हैं, तो जब राहुल जी कह रहे हैं तो जरूर सही कह रहे होंगे, हम लोगों को भी कृषि ऋण जो है माफ करना चाहिए। 50,000 माफी की योजना चल रही थी, लेकिन इस राज्य के ज्यादातर किसानों ने 2 लाख तक का ऋण लिया हुआ था और उन्हें जो कृषि ऋण माफी की योजना मिली थी वो अधूरी थी। आप लोगों के प्यार स्नेह और आशीर्वाद की वजह से हमारा जो क्षेत्र कृषि बाहुल्य है, यहाँ जो आप लोगों के बीच रह करके सीखे समझे, आप लोगों की परेशानियों को हम लोगों ने भी कृषि ऋण माफ किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से उसे पारित किया। भौरा बराज हो, डिग्री कॉलेज हो, 1 डिग्री कॉलेज शुरू हो गया ठाकुर गंती के बस्ता पर, जहां लोग धर्म की राजनीति करना चाहते थे, जहां सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आकर के लड़ाई लगाना चाहते थे, हमने तय किया था कि उस बस्ता के पहाड़ पर तभी चढ़ूंगी जब यहां के धर्म की राजनीति की लड़ाई ठाकुर गंती में बंद करवा पाऊंगी। मुझे खुशी है कि मेरे इस सोच का मान ईश्वर ने रखा और अंतिम कैबिनेट में जो इस सरकार के कार्यकाल में हुआ, ठाकुर गंती के बस्ता के पहाड़ पर अब धर्म की राजनीति नहीं, शिक्षा की राजनीति चलेगी। और आप अपने इलाके के कामकाज को गिनाना शुरू करेंगे अगर क्षेत्र के लोगों के पास, तो मैं कह सकती हूँ कि जो भाजपा के लोग हैं, जिनके परिवार में कोई भाजपा का भी है, उनके परिवार का अन्य सदस्य जो है वो भी महागठबंधन को वोट देगा। बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी पत्नियों को भेजा, अपनी बहनों को भेजा पंचायत भवन कि भाई तुम भी मैया समान का जो है लाभ लेने का काम करो। हो सकता है वो चुपचाप जो है वो भी इस बार हाथ साफ ही करेंगे। क्या लगता है आपको? हर किसी का दरवाजा खटखटाना है, हर किसी का दरवाजा खटखटाना है, और जो खटाखट मैया सम्मान में हुआ है उसका पूरा लाभ अगर कोई वोट के माध्यम से लेगा तो हम लोगों के महागठबंधन की सरकार को मिलना चाहिए। ये प्रण करके हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। ज्यादा लंबी बात न करते हुए, ये पिछले कामों का ब्यौरा मैंने आपको दिया है। लोग पूछेंगे कि आगे क्या करेंगे, और सवाल होना भी चाहिए। मैं सवाल इसलिए चाहती हूँ कि मेरे 5 साल में मुझे क्या करना है उसका खाका चुनाव में जाने से पहले तय कर लेना है। इस बार जब आप लोग आशीर्वाद स्नेह प्यार दे करके विधानसभा तक भेजेंगे, तो मैं आपको वादा करती हूँ कि महगामा में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं और बेहतर होंगी। 50 बेड का अस्पताल आप लोगों के लिए बना करके तैयार कर दिया है हम लोगों ने, 300 बेड अस्पताल, जिसकी जवाबदेही केंद्र सरकार को बनाने की थी, डबल इंजन की सरकार को बनाने की थी। मैंने सुना भाजपा के प्रत्याशी टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि अस्पताल ये नहीं बनता तो अच्छा होता, लेकिन अगर ये बन रहा है तो ये गलत हो रहा है। आप भी वो देख लीजिएगा इंटरव्यू कि किसी व्यक्ति की सोच क्या है। आप कह रहे हैं कि कहां से आएंगे डॉक्टर और काम करने वाले लोग, अरे यही के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, यही के बच्चे पैरामेडिकल की पढ़ाई करेंगे, और इस 300 बेड जो संचालन है वो हमारे महगामा के बच्चे करेंगे, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी शिक्षा पूरी होगी। वो कह रहे हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज पहले खुल जाना चाहिए था, उसकी घोषणा हो जानी चाहिए थी, तब अस्पताल की शुरुआत होगी। जब तक अस्पताल बनकर के तैयार होगा, आप चिंता ना करें अशोक भगत जी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी होगा, लॉ कॉलेज भी होगा, और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात होगी। सबसे ज्यादा अगर हम लोगों के पास कोई आता है और उसके चेहरे पे, किसी युवा के चेहरे पे थोड़ी भी उदासी हम लोग देखते हैं, जिन्होंने मोदी जी के 2 करोड़ के वादे नौकरियों के सुन करके हताश हुए हैं और आज ऐसी स्थिति कर दी है देश में कि 45% तक बेरोजगारी चली गई है। झारखंड सरकार में जब से हम लोग आए हैं तब से परीक्षाएं करा करके नियुक्ति देने का काम किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमें अपने विधानसभा में ऐसे रोजगार के अवसर बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे युवाओं के चेहरे पे निराशा ना हो। मैं अपने युवा साथियों से, अपने छोटे भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि अब 5 साल मैं आपके लिए रखती हूँ, आपके शिक्षा के अवसर, आपके रोजगार के अवसर के लिए इस नए महगामा में काम होगा।
नया महगामा कहाँ है पूछते हैं सब। सोशल मीडिया पे चल रहा था, कुछ पत्रकार भी पूछते हैं कि ये नया महगामा क्या है भाई। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, या नजर दौड़ाइए, ये है नया महगामा, जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, महिला हो पुरुष हो, वो मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ इस नए महगामा में राजनीति की कोई जगह नहीं है। नए महगामा में अस्पताल बन रहे हैं, डिग्री कॉलेजें चल रही हैं, और सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। यहाँ के किसानों को पहले 1100-1100 रुपए धान का मूल्य मिलता था, नए महगामा में किसानों को आज जो फसल लहला रहा है खेत में, उसका समर्थन मूल्य 2350 रुपए से शुरू होकर 2450 रुपए तक इस साल मिलने का काम होगा। ये है नया महगामा, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि इन 5 सालों में ये है कि हम सब लोग बहुत अमन शांति से, बहुत प्रेम से मिलजुल करके रहे। नहीं तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि चुनाव के 1 साल होने को नहीं होता था, मंदिर मस्जिद की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, एक दूसरे से जाति की लड़ाई शुरू कराने का काम भाजपा के लोग कर देते थे। मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे कोई मौके भाजपा ने फिर बनाने की कोशिश की, लेकिन आप सब भाई बहनों ने मुझे इस अमन चैन को कायम रखने में सहयोग दिया, साथ दिया। मैं इन्हीं बातों के साथ, इस विश्वास और भरोसे को हमेशा कायम रखने के लिए प्रयासरत रहूंगी, इस वादे के साथ फिर से आप लोगों से एक बार आशीर्वाद मांगती हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि दोनों हाथ उठा करके अपनी इस बेटी, बहन, बहू को आशीर्वाद दीजिए कि किसी भी तरह से हम लोग तानाशाह लोगों को सत्ता में आने नहीं देंगे। आप लोगों का यह दोनों हाथ उठा करके मुझे यह आशीर्वाद, मेरा हौसला बुलंद करता है। और विपक्ष की क्या हालत हो रही है वो आपको शाम तक भी पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभी मुझे कह रहे थे लोग कि खड़े होकर के आप अपना समर्थन दिखाइए। मैं कह रही हूँ, मैं आप लोगों ने मुझे कुर्सी दिया, लेकिन आप लोगों को हम इतने घंटे तक खड़ा रखे इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन एक एक कुर्सी का इलेक्शन कमीशन 10 रुपया हिसाब लगाता है और गलत गलत केस मुकदमे में फंसाता है। हम लोगों ने तो सत्ता में रहते हुए भी महगामा के किसी व्यक्ति पर फर्जी केस नहीं कराया। जो पुराना महगामा था उसमें अशोक भगत अपने सामने खड़े होने वाले प्रत्याशी के ऊपर भी केस मुकदमा फर्जी कराते थे, जिसके चलते हमें अभी भी दौड़ लगाना पड़ रहा है। अमन चैन शांति के साथ नया महगामा आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर से प्रणाम, आदाब, जोहार करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। और यहाँ इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को और मंच के नीचे उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। हो सकता है मैं आपका नाम नहीं ले पाई हूँ, लेकिन मैं उसके लिए माफी मांगते हुए आपसे आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।